है ना अंकल, बहुत ज्यादा मार्जिन रहता है ना, बताइए आप ही। हाँ उसी दे रहा हूँ क्या? हाँ उसी कंपनी की क्या। तो दोस्तों कैमरे का स्क्रीन तो मतलब सॉरी ठीक हो गई है, बस यहाँ पास पता थोड़ा ओरिजिनल नहीं है, वो तो नहीं लगी है, इस कारण उतना मज़ा नहीं आ रहा है, दिख तो नहीं रहा है, पर ठीक है, पहले से तो अच्छी लग रही है। कुछ सेटिंग्स इसमें अभी चेंज हुई हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा, और यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग मिट गई है तो अपना नाम चिपका दूँगा, कोई नहीं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, कम से कम वो कांच टूटा था तो 2 बार घुस भी गया था हाथ में, लगवाना ज़रूरी था। तो मिलते हैं, तो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं तो आपको ले चलते हैं उसके साथ। और सॉरी भाई कल का ब्लॉग देर से आया, क्योंकि फिर फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी ना, तो बिल्कुल भी उस पर काम नहीं कर पाया, तो अभी चलते चलो। तो दोस्तों तुम्हारा भाई हो गया है तैयार, शर्ट मैंने वही पहन ली क्योंकि ऐसी सर्दी लगा रही थी, पानी बस से गर्म पानी से नहा लिया, और मस्त देखो धूप निकल आई है। और ये आज है आउटफिट, तो नीचे वाइट जीन्स पहना हूँ, उसके साथ मैंने पहने ब्लू शूज़ अगर दिख रहे हैं तो। और बस अभी चलते हैं, फार्मेसी काउंसिल भी जाना और न्यू मार्केट भी जाना है, देखते हैं कहाँ पहले पहुँचते हैं। साइकिल ने दोनों ही हवा में उड़ गए थे, परा बन गए थे हम लोग, परी भी नहीं परा बन गए थे। तो अभी आए हैं JP डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अभी मामा का काम कुछ है, अब वो हो जाएगा तो वापस से जाएंगे न्यू मार्केट, तो जब तक के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों यहाँ करीबन करीबन 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा, तो मामा का अभी तक काम नहीं हुआ, तो मैं यहाँ गाड़ी में बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, जो वीडियो आप शायद तक देख लिए होंगे। तो भाई धूप इतनी मस्त निकल आई है यहाँ पास कि मेरे को जैकेट उतार के रखनी पड़ी, क्योंकि भाई गर्मी लगने लगी थी, और वैसे भी बंद कार थी, कोई भी वॉइस ओवर या अभी भी कुछ बोलता ना तो टैं टैं पैं पैं अभी भी आवाज़ आई होगी आपको। तो अब देखते हैं कितने देर में न्यू मार्केट जा पाते हैं, अगर नहीं जा पाएंगे क्योंकि शाम की 4:10 की ट्रेन है वापस से, जो 4:12 पर छूट जाएगी, सिर्फ 2 मिनट हबीबगंज में रहती है, तो अब देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये तो सीधे स्टेशन ही आपको फिर लेके चलेंगे, तो अभी तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा मामी लोग घूम गई हैं, तो उन्हें ढूंढने जाते हैं अंदर न्यू मार्केट में, वैसे ही हम लोग दूसरे जगह से उन्हें ड्रॉप किए थे, अब दूसरे जगह से बुलाए हैं, तो थोड़ा घूम गई हैं, उन्हें ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ गई हैं और लेके आते हैं। लोगों को ढूंढना था तो हम लोग थे TT नगर के गेट उस साइड वाले चौराहे वाले, और वो लोग थे इधर पुलिस स्टेशन वाले साइड पे, तब तो दिख ही रहा है गेट, अब वो फुली वहीं खड़े हो मिले। तो ये देखो न्यू मार्केट है, ज़्यादा दिखा नहीं पाए क्योंकि टाइम भी कम बचा है और ढूंढना भी है, तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। वो जा रहे हैं, हम लोग अंदर इसलिए जा रहे, वैसे भी जाने नहीं देते कोविड के कारण, जाने से फ़ायदा नहीं है, उस दिन बताना रह गया था। तो ये देखो यहाँ पास कुछ झोपड़ पट्टियाँ थी, तो उन झोपड़ पट्टियों को साफ़ कर दिया गया, ठीक है, अब ये बन रहा बंसल वन मॉल बन रहा है, और यहाँ पास गड्ढा खुद रहा है शायद अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए, और ये स्टेशन बन रहा है। अब स्टेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बन रहा है पूरा, और इधर भी काम चल रहा है, इधर टंकी उंकी छोड़ने का एकदम ज़ोर शोर में काम चल रहा है इधर, ये पूरा अच्छा ही है। तो दोस्तों ये है मेरा T-bar, इसको लगवाना है साइकिल में, जैसे लूज होता है ना तुरंत टाइट करवाना, तभी पता नहीं चलता ना, और जहाँ थोड़ा लूज में चल गया ना हिल हिल के कट जाते हो, बहुत कमजोर रहते हैं साइकिल में, डंडे की बहुत शिकायतें देखी है। हाँ नहीं नहीं साइकिल 1 हफ्ता नहीं चलाता आदमी है डंडा बदलवा, ऐसा भी रहता है क्या? फिर तो मेरा 2-3 साल चलने के बाद बदलवा आया हूँ। नहीं नहीं साइकिल हो गया अभी बदले डंडे मैंने, 1 हफ्ता नहीं चला ही आदमी।
तो दोस्तों ये वही मेडिकल वाले हैं जो मेरे को ये सारी गोलियाँ 410 रुपये में बेच रहे थे, मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें मिल रहा था इसमें। कितना हुआ भैया इन सब का? सतहत्तर अंकल आप ही ने सही रेट पे दी है, बाकी सब मेरे को 400 रुपए में बेच रहे हैं। देखिए अंकल ऑल द बेस्ट, आपको इसीलिए रिकॉर्ड भी कर रहा था, आपको पता था ना आप सही दोगे, मुझे पता था आप सही दोगे। तो भाई सिर्फ अंकल ने मेरे को सही दवाई दी एकदम सही रेट में, नहीं तो बाकी सब लोग तो 400 रुपए मांग रहे थे यही सेम दवाई को, और अंकल ने मेरे को एकदम 170 रुपए में ये सारी दवाई दे दी, और बाकी लोग 400-500 रुपए मांग रहे थे, मतलब सोचो है ना अंकल, बहुत ज़्यादा मार्जिन रहता है ना, बताइए आप ही। हाँ दूसरी दे रहे हैं क्या? हाँ दूसरी कंपनी की क्या? तो दोस्तों थोड़ा बाल को एक्सक्यूज करना, थोड़ा टोपी पहने थे तो हो गया था। तो जैसा कि आपने देखा मेरे को 3 टैबलेट्स और एक ट्यूब चाहिए थी थोड़ा काम से, तो उस प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास था उसका, तो मैं गया दिखाने 3-4 मेडिकल स्टोर में दिखाया। तो पहले मेडिकल स्टोर से चलो मेरे ट्यूब मैच हो गई तो मैं ले आया, पर दूसरी जो मेडिसिन दे रहे थे टोटल दे रहे थे 410 रुपये की वो चारों, ठीक है, तो ट्यूब बस में लेके आ गया था। फिर एक और मेडिकल में गया, जब 3 टैबलेट बोला तो वो 450 की सिर्फ 3 टैबलेट्स बोल रहे थे, ठीक है। एक और मेडिकल में गया तो उनके पास चलो अवेलेबल नहीं थी, फिर एक और में गया तो उनके पास भी नहीं थी, फिर उनने तरुण मेडिकल को बताया कि वहाँ जाओ वहाँ मिल जाएगी, एक बार मैं गया था लेने, उन अंकल ने मेरे को सेम 3 कॉम्पोजिट वाली टैबलेट्स 170 रुपये में दी, ठीक है, वो तीनों टैबलेट 170 रुपये में दी, जो मेरे को एक दुकान वाला 450 में दे रहा था और एक दुकान वाला 410 रुपये में ट्यूब के साथ दे रहा था, ठीक है। फिर भी मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो कि इसमें मेडिकल शॉप्स में जो रहता है मतलब कितना मार्जिन रहता है, आपको अगर आपको नॉलेज उस चीज़ की नहीं हो और नहीं पता हो ना तो आप ईजिली लूट सकते हो, आपसे कोई डबल या उसका तिगुना प्राइस तक ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता होगा ना तो वो ऑन MRP भी बेच देते हैं आपको, 350 रुपये का जो मैं दवाई लेके आया वो 80 रुपये की भी आती है सेम, और सेम आती है 340 रुपये की भी सेम। इसलिए दोस्तों कभी भी मतलब ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, कोई भी डॉक्टर लिखता है तो उसको थोड़ा देखिए, कई बार डॉक्टर्स का भी कमीशन रहता है, सब नहीं कुछ डॉक्टर्स जो रहते हैं उनका भी कमीशन रहता है, तो सिर्फ उनकी वो सेम कंपनी वाली दवाई जो रहती है उस केमिकल या उस कॉम्पोजिट की सिर्फ उन्हीं के मेडिकल स्टोर्स में मिलती है, दूसरे में अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर कहीं आप देखो कि मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मम्मी को लेके गया था तो उनके मेडिकल स्टोर में जो दवाई मान लीजिए 800-1000 रुपये की पड़ रही, वही मेरे को दूसरे मेडिकल में 500-600 की पड़ती, मतलब 400 रुपये कम, आप सोच रहे मतलब कितना ज़्यादा उसमें हाई प्रॉफिट रहता है। इसलिए दोस्तों कभी भी ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी दवाई अगर एक्सपायर होती है, कोई भी नहीं मतलब मोस्ट ऑफ जो रहती हैं एक्सपायर होती हैं, तो ये नहीं है कि वो ख़राब हो जाती है, उनका जो असर रहता है उनका जो डोज रहता है वो कम हो जाता है, उनका असर कम हो जाता है, ये नहीं कि एक्सपायरी दवाई हर कोई ख़राब रहती, कुछ ऐसी दवाइयाँ रहती हैं जिनका जो असर है या डोज होता है वो कम हो जाता है, लेकिन कई जैसे नेचुरल हो गई आयुर्वेदिक हो गई वो एक्सपायरी इसलिए नहीं लेनी चाहिए, कई ऐसे चीज़ें उनमें मिली रहती हैं केमिकल्स की उनकी ही वो एक्सपायरी हो जाते हैं, वो डेड हो जाती है, तो वो फिर दूसरा रिएक्शन करने लग जाते हैं। तो ये दोस्तों बताना था कि हमेशा सावधान रहिएगा और ध्यान से परख के लीजिएगा हर चीज़, ठीक है। तो अब चलिए ये व्लॉग मेरा आज का ख़त्म हो गया, मिलेंगे आपको कल व्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।